Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the Semester 5 TYBCOM of Mumbai University, and we are going to discuss the overall strategy which you should follow for scoring more than 70%. हम सारे subjects के बारे में एक brief introduction लेने वाले हैं कि आपको कौन से subjects होंगे, आपके हर subjects के बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो दैट आपको 600 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके और आपके परसेंटेज टीवाई में सेमेस्टर 5 में काफ़ी बढ़ सके. तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं सो दैट आपको इससे काफ़ी हेल्प हो सकता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आपके दो थियोरी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो हर कॉलेजेस में सेमेस्टर 5 में होंगे, एंड दैट इज़ नंबर 1 इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज़ मार्केटिंग. तो ये दो सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको ये दो सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. और जो जो गलतियाँ आपने FY और SY में की है वो सारी गलती को रेक्टिफाई करना आपको TY में करना पड़ेगा. तो दैट इज़ वाई ये जो दो सब्जेक्ट्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, दिस टू सब्जेक्ट्स आर प्योरली थियोरी, सो विल हैव 100 मार्क्स थियोरी पेपर ऑन दिस. तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा ताकि आपके परसेंटेज जो है वो बढ़ सके. नेक्स्ट, जो आपके दो अकाउंट्स के ग्रुप के सब्जेक्ट्स है, तो दोज हू आर टेकिंग द अकाउंट्स ग्रुप, यूजुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर टेकिंग द अकाउंट्स ग्रुप, तो आपको इस बार दो अकाउंट्स पढ़ने हैं. वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अनदर न्यू सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है कॉस्टिंग, और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होने वाला है. तो ये जो दो सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू 200 मार्क्स, तो आपको 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ पे है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं सो दैट आपका थियोरी में जितने भी मार्क्स कम होंगे वो सारे के सारे मार्क्स यहाँ पे हमें एडजस्ट हो सकते हैं. वैसे तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी देना है, बट अकाउंट्स में हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे सम सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. तो अकाउंट्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अकाउंट्स के लिए आपके बेसिक पॉइंट्स क्या होने चाहिए, वैसे तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे. तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे. नेक्स्ट इज योर अप्लाइड कंपोनेंट. ये अभी अप्लाइड कंपोनेंट का मतलब होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो दीज आर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एवरी कॉलेजेस आर गिविंग अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट. तो उसके बेसिस पे आपको दो सब्जेक्ट्स इसमें से चॉइस करने पड़ेंगे. तो चॉइस करने हैं इन द सेंस कि आपको इसमें से दो सब्जेक्ट्स ही लेने पड़ेंगे. तो सम कॉलेजेस टैक्स सब्जेक्ट देते हैं, सम कॉलेजेस टैक्स के साथ कंप्यूटर देते हैं, सम कॉलेजेस एक्सपोर्ट मार्केटिंग देते हैं, सम कॉलेजेस मार्केटिंग रिसर्च देते हैं, परचेसिंग देते हैं. तो अगर हम देखें और डायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर की बात, तो दोनों ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो आप हो सके तो डायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर्स के लिए ट्राई करें. बट उस कोई कोई कॉलेजेस के लिए SY के फर्स्ट क्लास को देखा जाता है, SY में अगर आपको अच्छे परसेंटेज है तो ही ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टैक्स और कंप्यूटर के सब्जेक्ट मिलते हैं. अगर आप जिस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो वहाँ पे अगर डायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर है तो पहला प्रायोरिटी आप इसी दो सब्जेक्ट्स को दे बिकॉज इससे आपको मैक्सिमम परसेंटेज बढ़ने में हेल्प हो जाएगा. अदरवाइज वी हैव एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड परचेसिंग ऑल्सो एज द बेसिक सब्जेक्ट्स. तो दीज आर यूर 6 सब्जेक्ट्स. अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए TYBCOM के लिए, तो स्पेसिफिकली जैसे आपने FY और SY में लास्ट मूवमेंट में पढ़ा है वैसे आप लास्ट मूवमेंट में ना पढ़े. आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है थियोरी सब्जेक्ट्स पे, और पहले से ही आपको पढ़ाई करनी है, और एलोकेट करना है आपको डेज को इक्वली. हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड आई यूजुअली से दैट थियोरी सब्जेक्ट्स आर द गेम चेंजर. तो थियोरी सब्जेक्ट्स आपका पूरा गेम चेंज कर सकते हैं. आपको मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आपको मेजर पार्ट थियोरी पे फोकस करना है, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स TY की पढ़ाई करते हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स पे फोकस करते हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स पे फोकस करते हैं, बट कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो थियोरी पे ही फोकस करते हैं और उसके साथ प्रैक्टिकल तो उनका होते ही रहता है. तो इफ़ यू विल बी फोकसिंग ऑन थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, तो दैट विल गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट्स. इसीलिए आपको थियोरी पे फोकस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको रिविजन करते रहना है सो दैट आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगे. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम माई साइड. अगर आपको नए नए नोटिफिकेशन चैनल के बारे में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टेलीग्राम ऐप,
और लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम ये चैनल का नाम है, ज्वाइन कर ले सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा उसके ऊपर पीडीएफ्स, उसके ऊपर नोटिफिकेशन टीवाई के लिए आते रहेंगे और वो आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है सेमेस्टर फाइव की तैयारी करने के लिए, सेमेस्टर फाइव का प्रिपरेशन करने के लिए और उस पर आपको रेगुलर बेस पे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसके बेसिक चीज़ें उसको कैसे पढ़ना है वो सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और एग्जाम से पहले भी आपको वीडियोस आते रहेंगे। तो एज ऑलवेज टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्टर और चैनल पे नए हो तो लाइक जरूर करें।